पानीपत जिले की हरि सिंह कॉलोनी से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ढाई महीने से बंद पड़े कमरे में रखे बेड के बॉक्स में महिला की लाश मिली है। महिला की लाश कंबल में लिपटी मिली है। इस वारदात का खुलासा मंगलवार देर शाम को हुआ। वारदात का पता लगने के बाद आसपास के एरिया में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी के मुताबिक किराए पर रहने वाले अखिलेश पत्नी राधा के साथ कमरे में रहता था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अखिलेश अपनी पत्नी की हत्या कर शव को बेड में रखकर फरार हो गया है। मृतक महिला का ऊपरी हिस्सा कंकाल में तब्दील हो गया है। अखिलेश मकान मालिक को ढाई महीने पहले अपने दोनों बच्चों के साथ घर जाने की बात कहकर गया था। पीयूष शर्मा, रात बस डेड बॉडी के बारे में सुना भाई, डेड बॉडी मिली है घर में बेड के अंदर, इस वजह से हम सारे पहुंचे हुए थे यहाँ पे, कॉलोनी वासी जितने भी थे। ये सुनकर सारे मोहल्ले में सनसनी फैल गई भाई, और जब बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, इस बारे में पता चला तो फिर 112 पे इन्फॉर्म किया गया। मौके पर SHO साहब पहुंचे, DSP धर्मवीर खरब पहुंचे, तो उन्होंने जांच की। फिर बाद में बॉडी, जब बॉडी को अपने कस्टडी में ले गए, अपना ले गए, अब बॉडी यहाँ से रेफर कर दी गई थी। 27-28 साल की, बेड के अंदर बंद कंबल में लिपटा हुआ, उसके ऊपर से दो गद्दे डाले हुए थे। हाँ, पति पे आरोप लगाए जा रहे हैं, पति फरार है यहाँ से। कब से? 2 से 2.5 महीने की बातें है, वो फरार हो चुका है। हाँ, 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, 7 से 8 साल तक की। अच्छा, वो पानी की कोई प्रॉब्लम आई हुई थी, तो टंकी वगैरह चेक करने के लिए वो उसने गेट का खोला, तो जब उस स्मेल आई तो फिर उसने चेक किया भाई स्मेल कैसी है, तब पता लगा कि हाँ बॉडी लिपटी हुई पड़ी है, तब उसने 112 पे इन्फॉर्म किया। वहीं DSP धर्मवीर खरब ने जानकारी देते हुए बताया कि देर शाम पुलिस को मामले की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में रखवाया और FSL की टीम को मौके पर बुलाया गया और मौके का मुआयना किया गया। एक डेड बॉडी मिली थी, क्या कुछ पूरा मामला? अखिलेश नाम का एक किराएदार रहता था वहां पर हरि सिंह कॉलोनी में, जो कि 2 महीने से अपने गाँव गया हुआ है, और आज कल जो मकान मालिक ने उसका सामान जो खाली करने के लिए उसका बेड खोला था, तो कंबल में लिपटी हुई एक लाश मिली है, जो एक महिला की लाश है। बाद में उसकी शिनाख्त अखिलेश की पत्नी राधा के तौर पर हुई है, और हमने मकान मालिक के बयान पर FIR दर्ज कर दी है, और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को आज यहाँ पेश किया गया है हॉस्पिटल में। और जहाँ तक मेरा विचार है कि डेड बॉडी या खानपुर या PGI रेफर होगी, उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता लगेगा कि उसकी डेथ कैसे की गई। प्राथमिक जांच में यही लग रहा है, अभी तक तो जो अखिलेश है ने वही हमारा अक्यूज्ड है, और उसके आगे जो हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो होगी अखिलेश के मिलने के बाद, उससे पूछताछ के बाद फिर आगे पता चलेगा कि उसके साथ और कौन शामिल है और वो उसने ऐसा क्यों किया है। हाँ, टीमें हमारी CIA की टीमें और थाना जो तहसील कैंप है उनकी टीमें उसमें लगी हुई हैं, और जल्दी ही हम इसका खुलासा कर देंगे। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमारा पेज फॉलो करें, और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।